सो हे शनानियंस, क्या चल रहा है आजकल? तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे हर रोज नया नया कांड होता रहता है, जिसमें से एक कांड है आयु एंड पीयूष शो के बारे में। अब जिन लोगों को भी नहीं पता ना कि ये क्या है, तो मैं बता दूं, आयु एंड पीयूष शो एक ऐसा फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट वाला चैनल है जिसके अराउंड 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अब ये दिन कुछ महीनों पहले की है जब एक यूट्यूबर ने आयु एंड पीयूष शो पर रोस्ट कर दिया और वो वीडियो हो गई वायरल, और इतनी वायरल हुई कि करीब 5 से 6 लाख व्यूज चली गई। भाई कंटेंट में भी दम था, और एक 500 से 600 सब्सक्राइबर्स वाले बंदे पर अगर इतने व्यूज हो तो भाई वो बंदा कितना मोटिवेट हो गया होगा, सोचो भाई, कि मतलब छाती छोड़ी हो गई। लेकिन 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 यहाँ पे भी ट्विस्ट है। उस भाई ने वीडियो अपलोड तो कर डाला, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसे इतने हेट आने लगे, लाइक से ज्यादा डिसलाइक का रेशियो था, और कमेंट सेक्शन तो पूरा गालियों से भरा हुआ था। अब रीजन सिंपल है, क्योंकि यार 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पे तुम रोस्ट करोगे तो भाई सिंपल से यार गाली तो आना नॉर्मल है। भाई मैं तारीफ भी कर दूँ तो गाली मिल जाता, तो उसने तो भाई ने रोस्ट कर दिया, अब समझ ही जाओ फिर। लेकिन इस भाई ने ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हुए सीधा इग्नोर मार दिया, जैसे कि एक सच्चा यूट्यूबर करता है। लाइक पॉजिटिविटी को अपना कर नेगेटिविटी को साइड में रखकर सीधा मूव ऑन कर गया। अब यहाँ तक ना सब कुछ सही चल रहा था, भाई को व्यूज मिल रहे थे, सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे, साथ में कुछ गालियां भी मिल रही थी, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता। लेकिन इस वीडियो को जैसे ही आयु एंड पीयूष शो के ओनर ने देख लिया ना, तो दे दिया भाई को सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक। नहीं भाई, क्लेम नहीं, सीधा स्ट्राइक, मतलब वीडियो को सीधा टेक डाउन करा लिया गया। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि कॉपीराइट स्ट्राइक दिया तो दिया किस बेसिस पे। अब देखो, वो वीडियो आ रहा था अंडर फेयर यूज पॉलिसी, तो उस पे स्ट्राइक देने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर क्लेम दे देता तो चलता था, रेवेन्यू के लिए तुमने क्लेम दिया तो वो बात समझ आता था, लेकिन स्ट्राइक किस बेसिस पे। अब अगर गलती से चैनल आयु एंड पीयूष शो का ओनर इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मुझे उनसे बस एक ही सवाल पूछना है, भाई तुमको पता भी है कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है? भाई ने जो मेहनत से इतना वीडियो को बनाया था, स्क्रिप्ट लिखने में, एडिटिंग करने में, जो उसने सारी मेहनत लगाया ना, तुमने लिटरली उधर जाके हक दिया। अब देखो, यहाँ पे कोई कंपनी स्ट्राइक मारता था ना तो बात समझ आता था, क्योंकि कंपनियों को हमारे यूट्यूब करियर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब तो भाई कंपनियां भी स्ट्राइक नहीं मारती है, स्वयं टी सीरीज को देख लो, वो बस क्लेम मार के छोड़ देती है, बोलती है तुम मेरा म्यूजिक यूज करो चलेगा, लेकिन रेवेन्यू मैं ले लूंगा। अब तुम तो ठहरे भाई एक इंडिविजुअल क्रिएटर, इतना तो समझो, एक क्रिएटर होने के नाते दूसरे क्रिएटर की भावनाओं को तुम समझते नहीं हो, भाई जाके सीधा स्ट्राइक मार दिया। भाई अगर तुम उसको पर्सनल DM भी करते ना कि भाई मुझे ये वीडियो पसंद नहीं आया, तुम इससे हटा लो, तो बंदा वो प्राइवेट कर लेता, भाई के व्यूज तो रह जाते। अब अगर ऐसे ही चलता रहा, एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को स्ट्राइक देता फिरेगा, तो कम्युनिटी स्ट्रांग कैसे होगा भाई? अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें हेट करता है, अगर तुम्हें ये सबसे प्रॉब्लम है, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आए ही क्यों हो? जाके पोगो टीवी पर ब्रॉडकास्ट करो ना तुम्हारा आयु एंड पीयूष शो, इसमें लाइक डिसलाइक कमेंट का कोई झंझट ही नहीं, मंथली पैसे मिल जाएंगे। अब तुम लोगों को तो पैसे से ही मतलब है ना, लोगों के इमोशन से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जिन लोग भी आयु एंड पीयूष शो के डाई हार्ड फैन है ना, और उनके वीडियोस को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, तो उनसे बस एक चीज़ क्लियर कर लेना चाहता हूँ। देखो, ये सब बातें मैं आयु एंड पीयूष वो दो बच्चों को नहीं कह रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे पता है यार, आयु एंड पीयूष खुद तो जाके स्क्रिप्ट नहीं लिखते होगे, और ना ही उन लोग खुद कैमरा एंगल सेट करते हो, और ना ही उन लोग वीडियो को एडिट करके पब्लिश करते, और ना ही उन लोग मेरे भाई के चैनल को जाके स्ट्राइक दियोगे। नहीं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, शायद ये उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और या फिर कोई थर्ड पार्टी जो चैनल का कंटेंट ओनर है, ठीक है? मतलब ये क्या बात होती है यार, ऑलरेडी तुम्हारे ऑडियंस ने उस बंदे को जाके दे भर गाली दे मारा है यार, लेकिन फिर भी तुम जाके और उसको स्ट्राइक बिठा दे आते हो यार, तुम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, तो इग्नोर तो मार ही सकते हो यार। अब तुम अकेले यूट्यूबर थोड़ी हो यार जिस पर रोस्ट बन चुका है, तुमसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर है यार, आशीष चंचलानी, बीवी की वाइंस, एंड ऑफ कोर्स स्पेशली अपना अमित भड़ाना, कितने रोस्ट बन चुके हैं यार, वो तो सबको जाके स्ट्राइक नहीं देता बैठता। खैर, अब डायनमो की तो बात यहाँ पे कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है यार, डायनमो गेमिंग अगर स्ट्राइक देने पर उतर आई ना, तो इंडियन कम्युनिटी से तो आधे चैनल उड़ जाएंगे, इतना पक्का है। अब ये फालतू का स्ट्राइक से ना दो जन शिकार है, एक वो असम लड़का और दूसरा अपना अम्मुनेशन। अब मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई स्ट्राइक उनके चैनल पे लगी है, लगाई है उन लोगों ने, तो फिर मैं क्यों टांग अड़ा रहा हूँ? तो सिंपल रीजन है, देखो, मैं वो असम लड़का और अम्मुनेशन के वीडियो बहुत पहले से देख रहा था, एंड मैं उनको बहुत पहले से सब्सक्राइब कर रखा था। अब मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, उन लोग मुझे पहचानते कि उसका मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, बट मैं उनके वीडियोस देखता था, एंड
मेरा ये हक बनता है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बनाऊँ, तो मैंने इसलिए टांग अड़ाया और वीडियो बनाया। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त हुआ, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और तुम्हारे जान पहचान में कोई बड़ा यूट्यूबर है तो प्लीज़ उसे शेयर करना, क्या पता वो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में राज़ी हो जाए। एंड कमेंट करके बताना यार तुम्हारा क्या ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया और तुम चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार चैनल को। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक